आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर समेत दुनिया भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इसी के आगे बढ़ते चलें आपको बताएं कि पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए तकर्रुर का ये मामला है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 3 बजे पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर बारे मुशावरत करेगी, जबकि पार्लिमानी कमेटी के पास इत्तफाक की राय के लिए सिर्फ आज का दिन है। नाकामी पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर का मामला इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में किसी एक शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आला के तौर पर नोटिफाई कर देगा। इसी हवाले से मजीद जानने के नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी से लियाकत आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल के तकर्रुर के मामले पर आज पार्लिमानी कमेटी असेंबली कमेटी रूम में 3 बजे बैठेगी। हुकूमती इत्तेहाद की जानब से मियां आसिफ का, राजा बिशारत और हाशिम जवान वक्त इस कमेटी के मेंबर हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से मलक नदीन कामरान खान और जो है सैयद हसन मुर्तजा वो इसके मेंबर नामजद किए गए। 3 बजे कमेटी का इजलास होगा। कमेटी को हुकूमती इत्तेहाद ने 2 नाम भिजवाए हैं, जिनमें साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा और हाजिर सर्विस ब्यूरो क्रिएट अहमद नवाज खेरा के नाम हैं। पीटीआई ने अपने 1 नाम में तब्दीली की है। गुज़श्ता रोज नसीर खान का नाम ड्रॉप करके उन्होंने साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा का नाम ऐड किया है। हम उसी दूर में जो है वो अपने पहले ही नाम जो गवर्नर को भिजवाए थे वही नाम जो है वो बरकरार रखे हैं, यानी कि अहद चीमा और सीनियर सहाफी मोहसन नकवी के नाम बरकरार है। अलबत्त मुस्लिम नून ने पीटीआई के नाम तब्दील करने पर एतराज किया है और मुस्लिम नून का कहना है कि आईनी तौर पर अब नाम तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन पीटीआई का ये मौकफ है कि पार्लियामेंट की देखिए एक अलग फोरम है। पहले फोरम पे जहां वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर में मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, उसके बाद ये नए फोरम यानी पार्लियामेंट कमेटी में अब मामला आया तो यहाँ पर नए नाम दिए जा सकते हैं। अब कमेटी का 2 दिन इजलास नहीं हो सका क्योंकि पहले 22 घंटे की तारीख से मुस्लिम नून ने ना भेजे थे और कल मुस्लिम नून के जो अरकान थे वो लाहौर में दस्तियाब नहीं थे, तो 2 दिन इजलास ही नहीं हो सका। कमेटी के पास 3 दिन थे और आज कमेटी के पास अब आखिरी दिन है। आज के दिन कमेटी को इसमें इत्तफाक राय करना है या रात 10 मिनट पर इसे इलेक्शन कमीशन को भिजवा देना है। तो ये 4 नाम जो है बहुत शुक्रिया हमें अपडेट कर रहे थे।